नमस्कार, मैं आपका दोस्त संतोष बिश्नोई एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं इस पवित्र मंदिर के प्रांगण में बैठा हुआ तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं आज इस मंदिर के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये प्राचीन भव्य मंदिर है कवि बिहारी जी का मंदिर। कवि बिहारी जी हिंदी के रीतिकाल के बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे। दोस्तों, इनका जन्म ग्वालियर में हुआ। इनके दोहे विश्व प्रसिद्ध है। इनका एक एक दोहा हिंदी में अनमोल रतन के रूप में उपयोगी है और आज भी प्रासंगिक है। दोस्तों, कवि बिहारी का एक दोहा मैं बोलना चाहूँगा। जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुधर मथुरा बसी ससुराल। कवि बिहारी जो कि ग्वालियर में जन्म हुआ, मथुरा में इनका ससुराल था। एक बार इनका आगमन हुआ हमारे जयपुर शहर के पुराने नगर में आमेर में। दोस्तों, यहाँ के राजा सवाई जय सिंह जिनके दरबार में कवि बिहारी आते हैं, और कवि बिहारी जी हिंदी में इतने बेहतरीन दोहे लिखते हैं और जनता के सामने, आम लोगों के सामने इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि उन दोहों में श्रृंगार रस कूट कूट के भरा होता है। मेरा कहने का अर्थ है, कवि बिहारी श्रृंगार रस के और हिंदी रीतिकाल के एक प्रसिद्ध कवि थे। मैं इनका एक और दोहा आपको सुनाना चाहता हूँ। वो दोहा है बहुत ही अच्छा दोहा। उस दोहे के बारे में यदि आप सुनेंगे तो आपको बहुत ही खुशी होगी। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास तही काल, अली कली ही सा बिंद्यो, आगे कौन हवाल आगे कौन हवाल। ये जो मैंने दोहा बोला है, ये दोहा है जयपुर के राजा सवाई जय सिंह के लिए। एक समय की बात थी कि जयपुर के सवाई राजा जय सिंह जो कि राजकाज में रुचि नहीं ले रहे थे, अपनी नई नवेली दुल्हन के प्रेम में डूब चुके थे। ऐसी स्थिति में सवाई जय सिंह के मंत्रीगण बड़े चिंतित हो गए। उन्होंने कवि बिहारी जी को कहा कि कुछ ऐसा कीजिए कि हमारे राजा साहब राजकाज पर भी ध्यान दे, राज्य पर भी ध्यान दे। तो ये दोहा जो मैंने बोला आपको, ये उसी बात पर था। दोस्तों, जयपुर के राजा सवाई जय सिंह के बारे में एक और खास बात, वो बिहारी जी से इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए थे, उन्होंने बिहारी जी को कहा कि आप एक दोहा लिख करके मुझे सुनाएं, हर दोहे पर आपको एक असरफी, एक सोने की मुद्रा हम देंगे। दोस्तों, ये लगातार जयपुर में ही रहे। जीवन के अंतिम पड़ाव में कवि बिहारी जी वृंदावन चले गए, जहां 1664 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। दोस्तों, मैं जिस मंदिर में बैठा हुआ हूं, जिस मंदिर के प्रांगण में बैठा हुआ हूं, ये जो प्रांगण है, ये जो चबूतरा है, ये चबूतरा लगभग 10 फीट ज़मीन से ऊपर है, जहां ये भव्य कलात्मक मंदिर बना हुआ है। दोस्तों, ये संरक्षित क्षेत्र है। कहते हैं कि ये जो मंदिर है, ये मंदिर बहुत पुराना है। बहुत पुराने का मतलब ये हुआ कि लगभग 1595 ईस्वी के बाद की बातें हैं, यानी 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में यहाँ के 1504 और 1505 ईस्वी की बात है। माफ़ी चाहता हूँ, मैंने 1595 में बोला, मैं माफ़ी चाहता हूँ, 1504 और 1505 की बातें हैं, जब यहाँ के राजा हुआ करते थे पृथ्वीराज कछवा, उनकी पत्नी बाला देवी, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। वर्तमान जो स्वरूप है वो हमारी राजस्थान सरकार ने इसको दिया है, और 2016 में इसका ऊपर का जो ये खंड है ये बनाया गया।
एक बहुत ही बेहतरीन स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना सूक्ष्म नक्काशी इस मंदिर में की गई है। बलुआ पत्थर इसमें उपयोग में लिया गया है। एक राजस्थान की पहचान, एक जयपुर की पहचान, एक आमेर की पहचान है। चारों ओर से नैसर्गिक पहाड़ियों से घिरा हुआ स्थान, मानसून अपने परवान पर है और ऐसी स्थिति में बारिश हो रही है। झिमझिम बारिश की बूंदें मुझे मेरे शरीर पर, मेरी त्वचा पर टकरा रही है और मैं आपको इस मंदिर का आंखों दिखा हाल सुना रहा हूँ। दोस्तों, ये भव्य मंदिर कवि बिहारी जी का है और कवि बिहारी जी हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे। दोस्तों, एक और ख़ास बात, हिंदी के कवि बिहारी जी जिनकी एक रचना है सतसई, जिनके बारे में, जिनको हम सब सती भी कहते हैं, जिनके बारे में आपने बहुत सुना होगा। अपनी इस पुस्तक में श्रृंगार रस से संबंधित सारी बातें इन्होंने लिखी है। दोस्तों, भगवान कृष्ण और राधा के श्रृंगार रस यानी संयोग और वियोग दोनों की बातें विस्तृत रूप से इस किताब में की गई है। श्रृंगार रस को समर्पित एक बहुत ही बड़ा ग्रंथ है ये बिहारी सतसई भी, कवि बिहारी का लिखा हुआ है। दोस्तों, कवि बिहारी जी ने 719 दोहे लिखे थे जो कि अपने आप में हिंदी साहित्य के लिए, हिंदी भाषा के लिए अनमोल रतन के रूप में आज भी प्रासंगिक है। ये है कवि बिहारी का बहुत ही विश्व प्रसिद्ध मंदिर। दोस्तों, वर्तमान में इस मंदिर में मैं कह सकता हूँ कि सरकार इसकी तरफ कम ध्यान दे रही है क्योंकि हमारे देवस्थान विभाग जो है उसके अंतर्गत राजस्थान के लगभग सभी किले, लगभग सभी मंदिर आ चुके हैं और ये मंदिर भी देवस्थान विभाग के अंतर्गत आता है। लेकिन जब टूरिस्ट आते हैं तो जयगढ़ किला और आमेर का किला पीछे की तरफ है, इन पहाड़ियों के पीछे की तरफ। दोस्तों, जयगढ़ किले में और आमेर के किले में आने के बाद कोई टूरिस्ट यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। मैं अपेक्षा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में एक बार पुनः ये विश्व प्रसिद्ध अद्भुत स्थापत्य कला का नक्काशीदार ये नमूना भव्य मंदिर जो कि कवि बिहारी जी का है, आने वाले समय में पर्यटक के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में एक ऊंचाई प्राप्त करेगा, लोग यहाँ पर आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूँ कि आप जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी मुझे सुन रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के बारे में लोगों को बताएं ताकि लोग अधिक से अधिक यहाँ पर आएं। दोस्तों, ये ज़्यादा दूरी पर नहीं है, ये आमेर किले के ठीक पीछे की तरफ ये बना हुआ है। चारों तरफ से पहाड़ियों से ये घिरा हुआ इलाका है। बहुत ही शानदार ये मंदिर बना हुआ है। उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर भी करेंगे ताकि और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर इस मंदिर का दर्शन करें, इस मंदिर की स्थापत्य कला को, उत्कृष्ट नमूने को निहारें ताकि जन जन तक ये मंदिर का जो प्रासंगिकता है वो लोगों तक पहुँचे। क्योंकि जयपुर हमारा प्राचीन नगर है और इससे भी प्राचीन नगर है आमेर, जिसकी प्रासंगिकता आज ही नहीं, हजारों साल भी पहले थी और हजारों साल आगे भी रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को विराम दूंगा, लेकिन उससे पहले गुरुजी ने आपको पहले बताया था पन्ना मीणा जी की बावड़ी बिल्कुल ठीक सामने है। ये बावड़ी अद्भुत नमूना है स्थापत्य कला का और कारीगरी का अद्भुत नमूना कह सकते हो। अष्टभुजाकार ये बावड़ी है और इस बावड़ी के अंदर गुरुजी ने आपको बताया कि लगभग 1800 सीढ़ियाँ हैं और लगभग 200 फीट गहरी ये है जो बावड़ी है। और इस बावड़ी के एक तरफ सीढ़ी नहीं है, जिस तरफ सीढ़ी नहीं है उस तरफ दो मंजिला एक बरामदा बना हुआ है। और गुरुजी ने आपको एक बात और भी बताई थी कि यहाँ पर अम्बकेश्वर का मंदिर, महादेव का मंदिर बना हुआ है। उस महादेव के मंदिर में एक शिवलिंग है, उस शिवलिंग का नाता जो है वो इस पन्ना मीणा की बावड़ी से बहुत ही मिलता जुलता है। कहते हैं कि जब भी पन्ना मीणा जी की बावड़ी पूरी भर जाती है तो यहाँ से पानी निकल करके उस शिवलिंग में जाता है एक गुफा के माध्यम से। तो दोस्तों, ये भी एक उत्कृष्ट नमूना है। बिहारी जी का मंदिर और पन्ना मीणा की बावड़ी एक दूसरे के आमने सामने हैं। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हो चाहे RPSC हो, जब भी ये एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो इन दोनों मंदिरों से संबंधित, इस बावड़ी से संबंधित क्वेश्चन अवश्य पूछते हैं। आज जो भी हमने चर्चा की है इन दोनों तीनों स्थलों के बारे में, प्राचीन स्थलों के बारे में, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप जब भी एग्ज़ाम देने बैठेंगे तो एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को विराम देंगे। थोड़ी देर बाद में मैं आपको इस जो आपका ये मंदिर बना हुआ है, इस मंदिर के दक्षिण दिशा की तरफ पहाड़ी के इतर आपको एक कुंड है, सागर कुंड, उसका दृश्य भी आपको दिखाने जा रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।